का, मक्का का, सब्जी का और फल उत्पादन का काफी वृद्धि हुई है। जो हमने बता दिया कि तीन का, धान का, गेहूं का और मक्का का, कि उत्पादकता दोगुनी हो गई, बाकी का भी सब जिसका हमने शुरू में आपसे चर्चा कर दी, तो ये सब काम यहाँ पर हो रहा, तो यूनिवर्सिटी काम करेगा, काफी अच्छे ढंग से काम करेगा। और बिहार का जो काम, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को मिला, बिहार को मिला, तो इसका मतलब है कृषि के क्षेत्र में काम और कृषि के क्षेत्र में इसको और आगे काम को बढ़ाना, हर प्रकार से एक एक चीज को देख करके हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों की तरफ से तो ये सारा सब कुछ हो रहा। और आप जानते हैं कि बिहार का क्या स्थिति, आबादी कितनी ज्यादा है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि देश के जो जितने राज्य हैं उसमें सबसे बड़ी आबादी जो पॉपुलेशन है वो तीसरे स्थान पर, जितनी आप लोगों की आबादी तीसरे स्थान पर बिहार, और जो क्षेत्रफल है राज्य का वो कहां पर है, वो 12वें नंबर पर है देश में। देश में जितने राज्य हैं उसमें बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका 12वां नंबर है, और आबादी को देखिएगा तो देश का तीसरा नंबर है। तो आप देखिएगा कि इस देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक आबादी है, अगर 1 किलोमीटर की बात को आप देख लीजिए तो 1 वर्ग किलोमीटर की आबादी को देख लीजिए तो सबसे ज्यादा आबादी बिहार में, और संभवतः दुनिया में भी सबसे ज्यादा। अब इसलिए आबादी बढ़ती है साहब, तो आबादी बढ़ती है तो धीरे धीरे तो खेत में कमी आएगी, लेकिन फिर भी खेती में वृद्धि हो रही है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, सब काम हो रहा है, लेकिन ये आबादी, और हम लोग तो खैर उसको नियंत्रित करने के लिए तो बहुत सारा काम कर रहे हैं कि कैसे कितना बढ़िया से महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का जो हम लोगों ने शुरू किया तो उससे प्रजनन दर घटेगा, तो ये सब कुछ हो रहा। तो हर प्रकार से इस क्षेत्र में तो हम लोगों का अपना काम है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज। और जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, अब आज अब इसका पूरा का पूरा इस कैंपस में बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया, अब यहीं पर कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने करवाया और अन्य चीजों का भी उद्घाटन आज करवाया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग ये चाहते हैं कि बिल्कुल आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना हुई है, ये बड़ी खुशी की बात, 2018 में ही तय हुआ था, लेकिन इसको तो पढ़ाना पड़ रहा था दूसरी जगह पर, लेकिन यहाँ पर अब जब सब कुछ बन करके तैयार हो गया तब यहीं पर पढ़ाई से लेकर के हर चीज का, और खूब अच्छे ढंग से जो हम अब यहाँ पर पूरे चर्चा के साथ भाई राधा मोहन सिंह जी ने पूरी बात कह दी है, खूब अच्छे ढंग से यहाँ पर और अच्छा काम होगा। और हम तो यही चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का काम और ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जरूरत हो 3 जगह हम लोगों ने और यहाँ के लिए तो जो जगह देना था वो दिया ही, हम लोगों ने सारण, औरंगाबाद और मधुबनी के नए महाविद्यालयों के लिए भी हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, और भी जितनी जगहों पर जो करना होगा उसके लिए हम करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन बने, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज बने, इसके लिए कृषि के क्षेत्र में उनके हर क्षेत्र में काम हो तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए मुझे आप सब लोगों को खुशी है, और पुनः मैं जो भी छात्र हमारे छात्राओं ने डिग्री प्राप्त की है मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ, और इसमें गोल्ड मेडल वाले 7 विद्यार्थियों को और मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ आज के इस अवसर पर, और उनके सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ, और इसके लिए हमारे जो श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी आदरणीय वेंकैया नायडू साहब आए हैं, उनका मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम लोगों का तो पुराना संबंध, हम लोगों का कोई आज का संबंध नहीं है, हम लोगों का बहुत पुराना संबंध है, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है, तो सब जगह के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और जो आप जानते ही ना, एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी बनी सबसे पहले 2020 में, इनको तो याद ही है ना, श्रद्धेय 2000 में जो बना, उसी समय हमको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए थे, तो उसी समय वो बनी पॉलिसी श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में,
इस देश में नहीं थी पहले कभी। श्रद्धे अटल जी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ और अब आगे पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य, इस देश के विकास के लिए, हर राज्य के विकास के लिए काम हो रहा, इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।